यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइमर्स. ओके, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू नो द प्रीवियस कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर. ओके, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज विद दैट. लाइक व्हाट वी हैड डिस्कस इन लास्ट क्लास इज लाइक टाइमर्स आर ऑफ टू टाइप्स. यस, दैट इज टाइमर 0 एंड टाइमर 1. और दोनों ही टाइमर्स आपके पास कितने बिट्स के रहते हैं? 16 बिट के रहते हैं. लेट मी शो यू फ्रॉम द बुक सो दैट वी कैन क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैड डिस्कस इन द लास्ट क्लास. लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइमर्स, दैट इज द टाइमर 0 एंड टाइमर 1. होप सो आई एम ऑडिबल टू ऑल. एम आई यस ऑडिबल? मैम, ओके, थैंक यू. सो देर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, टाइमर 0 एंड टाइमर 1. दोनों ही आपके पास 16 बिट के रजिस्टर्स थे. दैट इज उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. दैट इज TL0 एंड TH0. टाइमर 0 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज TL0 एंड TH0. लाइक आपके पास 16 बिट का डेटा, उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं. तो आपके पास वैल्यू रहेगी D0 से लेकर D15 तक. ओके, TL0 रहेगा लाइक लोअर बिट्स हैं, एंड H इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द हायर बिट्स. लोअर बिट्स मीन D0 से D7 जाएगा, एंड हायर बिट्स मीन D8 से D15 जाएगा. सिमिलरली आपके पास यही सीनारियो था टाइमर 1 के केस में, जहां पर टाइमर 1 को भी टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया. दैट इज TL1 एंड TH1. दैट इज फ्रॉम D0 टू D7 एंड D8 टू D15. ओके, नेक्स्ट था आपके पास कि आपको टाइमर को सिलेक्ट कैसे करना है. ओके, फॉर दैट वी आर हैविंग वन अदर रजिस्टर. द नेम ऑफ दैट रजिस्टर इज द टी मोड रजिस्टर. जिसका नेम आपके पास क्या था? टी मोड रजिस्टर था. ओके, टी मोड रजिस्टर बेसिकली कैसे डिफाइन किया था हमने? टाइमर मोड रजिस्टर. ये आपके पास कितने बिट का रजिस्टर था? 8 बिट का रजिस्टर था. ये हम सब कर चुके हैं. लाइक इसकी जो 4 बिट रहती हैं, और टी मोड की जो लोअर बिट्स रहती हैं वो आपके पास टाइमर 0 के लिए रहती हैं, और जो हायर बिट्स रहती हैं वो टाइमर 1 के लिए आपके पास रहती हैं. लाइक अगर आपके पास यहाँ पर कोई बिट हाई होती है, अगर आपके पास लाइक टाइमर 0 की कोई बिट क्या रहती है? हाई होती है, तो आपके लाइक इन चारों में से कोई बिट आपके पास हाई होती, लाइक 1 होता, तब वी विल कंसीडर कि टाइमर 0 पर आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है. और अगर यहाँ पर हायर बिट्स में से कोई वैल्यू सिलेक्ट होती है, तो आपको कंसीडर करना था कि आपके पास टाइमर 1 की कोई बिट क्या हुई है, सिलेक्ट हुई है. ओके, फाइन. सो हमारे पास लाइक ये बिट्स थी. आपके पास M0 से M1 है, C/T है, गेट है. ये हमने सारी बिट्स को क्या किया था? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आफ्टर लाइक आपको M0 M1 बेसिकली आपके पास मोड को डिफाइन करेगा, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. लाइक आपके पास ये टू बिट्स हैं M0 M1, उसकी वैल्यू 0 0 भी हो सकती है, 0 1 भी हो सकती है, 1 0 भी हो सकती है, 1 1 भी हो सकती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू. लाइक टू बिट्स मीन्स फोर कॉम्बिनेशन, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस फोर कॉम्बिनेशन आपके पास जो टाइमर का मोड है दैट विल बी डिफाइंड. जो बेसिकली आपको क्या डिफाइन करेगा? एक रेंज को क्या करेगा? डिफाइन करेगा. ओके, तो लाइक हम नाउ वी विल मूव टू द लाइक फर्दर स्टेप्स. लाइक व्हाट विल बी द प्रोग्रामिंग स्टेप्स फॉर दिस? ओके, सो लाइक हमने प्रोग्रामिंग स्टेप्स को भी आपने कल क्या किया, लाइक लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपके पास प्रोग्रामिंग के कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं. लाइक आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर हम मोड 1 की प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट की थी, आपको क्या करना है? जो भी टाइमर है, अगर हम मोड 1 की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मोड 1 की प्रोग्रामिंग में 16 बिट का टाइमर. मोड 1 का मीनिंग क्या रहता है? मोड 1 मींस आपके पास रहेगा, मोड 1 मींस 16 बिट. 16 बिट की आपके पास उसके उसमें क्या होगी? प्रोग्रामिंग होगी. मोड 1 दैट इज ऑफ 16 बिट. ओके, फाइन. तो लाइक 16 बिट है, तो मींस द रेंज विल बी ऑफ 16 बिट. आपके पास जो भी टाइमर की लाइक आपको टाइमर है, टाइमर की आपको एक स्टार्टिंग वैल्यू क्या करनी है? आपको टाइमर की एक स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन करनी है कि आपका जो टाइमर है वो यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे कंप्लीट होगा. दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस विल बी द लास्ट पॉइंट. यहाँ से स्टार्ट कीजिए टाइमर को, और इस स्टेप के बाद उसको क्या कर दीजिए? ओवर कर दीजिए या फिर रीसेट कर दीजिए आप टाइमर को. तो मोड 1 की प्रोग्रामिंग में आपके पास आपको सबसे पहले वैल्यू क्या डिफाइन करनी थी? आपको डिफाइन करना है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू. एंड 16 बिट है, 16 बिट है, तो मींस लाइक 16 बिट का अगर हम हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखें, तो वो आपके पास रेंज ये थी. अगर हम हाईएस्ट वैल्यू की बात करें, हाईएस्ट वैल्यू आपके पास कब डिफाइन होती है? अगर सारी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी? 1.
हाईएस्ट वैल्यू आपके पास कब जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू जाएगी जब आपके पास सारी बिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, एंड दैट विल बी, अगर आप वन वन करते हैं तो दैट विल बी एफ 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 एच, ओके, तो दैट विल बी एफ एफ एच। तो आपको स्टेप्स क्या थे आपके पास, आपने लाइक लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किए थे, आपने लिखे भी होंगे कि आपके पास जो ये रेंज है यहाँ से देखो यहाँ तक स्टार्टिंग रेंज, दिस इज द लास्ट वैल्यू, और या इन 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 वैल्यूज के बीच में आपके पास जो टाइमर फ्लैग की वैल्यू रहती है, दैट टाइमर फ्लैग वैल्यू इज जीरो। जैसे ही टाइमर फ्लैग की वैल्यू आपके पास हाई होगी तो टाइमर क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू आपने क्या कर रखी होगी, डिफाइन कर रखी होगी। लाइक ये सब हमने, वाई आई एम रिपीटिंग दिस, ताकि आज हम प्रोग्राम करें तो आपको लाइक दोबारा से माइंड में रहना चाहिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सो दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग दिस, लाइक 0000 टू एफ 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 एच, यहाँ पर आपके पास टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जैसे ही वैल्यू आपके पास शिफ्ट करेगी इस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू पर, तब आपके पास टाइम ऑफ फ्लैग क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ओके। एंड जैसे ही वैल्यू आपके पास वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, लाइक आपके पास जब भी जो टाइमर है वो रोल होगा फ्रॉम दिस वैल्यू टू, इसकी नेक्स्ट वैल्यू कैसे बनेगी, आप क्या करते हैं, वन ऐड कर देते हैं, आप क्या कर देते हैं, वन ऐड कर देते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। जब आप इसमें वन ऐड करेंगे तो एफ में वन ऐड करने पे जीरो, एफ में वन ऐड करने पे जीरो, एफ में वन ऐड करने पे जीरो जीरो, तो मीन्स नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी दिस वन, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी दिस वन, ओके। सो इन दिस केस द टाइमर फ्लैग की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, दैट वैल्यू विल बी वन, दैट वैल्यू विल बी वन। तो जैसे ही टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू आपके पास वन होगी, तो आपके पास लाइक टाइम ऑफ फ्लैग को कॉन्टिन्यूसली हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, और जैसे इसकी वैल्यू रेज होती है हमें टाइमर को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो ये स्टेप्स रहते हैं आपके पास। तो आपको सबसे पहले एक बार फिर से, मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग दी स्टेप्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, टी एल और टी एच, टाइमर के दो पार्ट्स थे आपके पास, टी एल एंड टी एच, टी एल एंड टी एच, आपको क्या करना है, लोड करना है वैल्यूज को, आपको लोड करना, आपके पास टी एल की वैल्यू भी डिफाइन करनी है, आपको टी एच की वैल्यू भी डिफाइन करनी है। वो वैल्यू कौन सी हो सकती है जो टी एल और टी एच के बीच में आप वैल्यू डालने लगे हैं, वो इस रेंज के बीच में से कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। कि आपको लाइक अगर हम चाहते हैं कि आपका जो टाइमर है वो 5 सेकेंड, लाइक अगर हम फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसीडरिंग कि 5 सेकेंड से स्टार्ट हो और 10 सेकेंड्स तक काउंट करे, फिर जैसे 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं वो दोबारा से 5 सेकेंड से स्टार्ट करे, फिर 10 सेकेंड्स तक, 10 सेकेंड्स के बाद दोबारा से वो 5 सेकेंड से स्टार्ट करे, तो मीन्स दिस इज द इनिशियल वैल्यू जो आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है कि 5 लेना है आपको, 4 लेना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो दैट वैल्यू यू हैव टू डिफाइंड, ओके, एंड दैट वैल्यू विल बी, शुड बी इन बिटवीन दिस रेंज, दैट इज फ्रॉम दिस वे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एड्रेस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू टू द दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू, ओके। सो द लाइक द कॉन्सेप्ट इज लोड, यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लोड द वैल्यू ऑफ टी एल एंड टी एच, वो अभी हम एक एग्जाम्पल से भी कंसिडर करेंगे, दैट यू कैन कंसिडर फ्रॉम देयर। लाइक आपने वैल्यू डिफाइन कर दी टी एल और टी एच के बीच की, आप कोई भी वैल्यू लेंगे उसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। वैल्यू डिफाइन करने के बाद आपका जो, आपको क्या करना है, टाइमर को स्टार्ट करना है, और टाइमर को स्टार्ट करके आपको एक और कमांड बीच में यूज करनी है, दैट विल बी जे एन बी टी एफ एक्स कोमा टारगेट। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या कहती है, लाइक आपने पहले भी जंप इंस्ट्रक्शंस हमने स्टडी की हैं, ओके, पहले भी आपने जंप इंस्ट्रक्शंस क्या की हैं, स्टडी की हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग, जे एन बी टी एफ एक्स कोमा टारगेट, जे एन बी जम्प, नो बिट, दैट इज जम्प इफ देयर इज नो बिट, ओके। आपको जम्प कराना है, और कब जम्प कराना है, जब आपके पास बिट नहीं है, बिट नहीं है तो मीन्स वो क्या कह रहा है, बिट नहीं है तो मींस आपके पास वैल्यू क्या है, जीरो है, वैल्यू इज जीरो, जंप इफ नो बिट,
जंप करा दो, कब जंप करा दो, अगर आपके पास बिट नहीं है, बिट नहीं है तो मींस आपके पास, बिट नहीं है तो मींस आपके पास वैल्यू क्या है, जीरो है. अगर हम बोलते हैं कि बिट है तो मतलब उसकी वैल्यू क्या है, वन है, देन वी कंसीडर्ड कि आपके पास बिट है. अगर हम बोल रहे हैं बिट नहीं है तो मींस उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है. तो हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअसली यू हैव टू चेक दिस वन, कॉन्टिन्यूअसली वट यू हैव टू डू इज कॉन्टिन्यूअसली यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ दिस टाइम फ्लैग. टाइमर फ्लैग की वैल्यू चेक करते रहो, ठीक है. जंप इफ नो बिट, अगर बिट नहीं आती है तो अब तब आपको क्या कराना है, जंप करवाना है. जैसे ही बिट आएगी तब आपको जंप नहीं करवाना है, ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है. जैसे ही आपके पास बिट की वैल्यू वन होती है तब वो जंप नहीं करेगा, जंप तब करेगा अगर उसके पास बिट की वैल्यू नहीं है. जंप इफ नो बिट, अगर बिट की वैल्यू नहीं है तो जंप करवा दो, अगर बिट की वैल्यू है तब जंप मत करवाओ. ओके, अगर जंप, अगर बिट की वैल्यू नहीं है तो आप जंप कराते रहो. और कहाँ जंप कराना है वो हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं, यहाँ पर एड्रेस जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वहां पर वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा. अगर आपने यहाँ पे टारगेट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एनीथिंग. दिस इज यूजर डिफाइंड, दिस इज द नेम ऑफ द लूप विच इज यूजर डिफाइंड. ओके, तो यूजर जो भी नेम यहाँ पर डिफाइन करेगा वहां पर आपका जो प्रोग्राम है वहां पर आपका प्रोग्राम क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा. दिस इज द नेम ऑफ द लूप, जहां पर आपने ये क्या कर रखा होगा, डिफाइन कर रखा होगा, वहां पर वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा. लेकिन जैसे ही टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू आपके पास क्या आती है, टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू आपके पास वन आ गई, तब उस टाइम पे वो जंप नहीं करेगा. और जंप नहीं करेगा तो हमें बेसिकली क्या कराना है, आपको टाइमर को उस टाइम पर क्या करा देना है, स्टॉप करवाना है. ये आपका टास्क है. पहले आपको लॉजिक बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको करवाना क्या है, आपको कॉन्टिन्यूअसली क्या करना है, टाइमर फ्लैग की वैल्यू चेक करनी है कि अगर टाइमर फ्लैग की वैल्यू आपके पास, अगर टाइमर फ्लैग की वैल्यू आपके पास जीरो है तो जंप करवा दीजिए, कहां पर, टारगेट पे जंप करवा दीजिए. अगर टाइमर फ्लैग की वैल्यू आपके पास जीरो है तो आप उसको क्या करा दीजिए, कहां पर जंप करवा दीजिए, टारगेट पे जंप करा दीजिए. फिर दोबारा से वैल्यू चेक कीजिए, अभी भी वैल्यू टाइमर फ्लैग की वैल्यू जीरो आ रही है तो अब आपको दोबारा से टारगेट पे चले जाना. फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, आपने वैल्यू चेक की कि वैल्यू क्या है, टाइम ऑफ फ्लैग की जीरो है, आपने दोबारा से कहाँ जंप करा दिया, टारगेट पे जंप करा दिया. आपसे दोबारा वैल्यू आ गई आपके पास, टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू आ गई जीरो, आपने दोबारा से कहाँ जंप करा दिया, टारगेट पे जंप करा दिया. दोबारा टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू चेक की, जीरो आ रही है, टारगेट पे जंप करा दिया. तो मतलब जब तक टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो वो जंप करता जाएगा, कहाँ पर जंप करता जाएगा, टारगेट पे जंप करता जाएगा. जैसे ही टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू आपके पास रेज हो जाती है, वन हो जाती है, तब वो कहाँ पर, टारगेट पे जंप नहीं करेगा. दिस इज एज पर द इंस्ट्रक्शन JNB. ये किसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज पर द लॉजिक JNB. ओके, सो इस केस में जैसे टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू वन हुई उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्टॉप द टाइमर, स्टॉप द टाइमर. सो दिस इज द लॉजिक. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, द ओनली एंड ओनली थिंग इज यू शुड नो द लॉजिक. अगर आपको लॉजिक पता है देन इट्स वेरी इट बिकम्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट दैट एज पर द निमोनिक्स. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. और ये वैल्यू आपके पास जीरो रहती कब है, हमने बात की थी कि आपके पास मोड वन की प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होती है आपको यहाँ तक. ओके, 0 0 0 से लेकर FFFF तक. आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, हमने प्रोग्राम को कहाँ से बोला था, आपको इनिशियल आइस कहाँ से करना है, आपको TL की वैल्यू देनी है, TH की वैल्यू देनी है. आपने TL की वैल्यू दे दी, आपने 03 दे दी,
और टीएच की वैल्यू दे दी आपने, लाइक कुछ भी एनीथिंग, आप इस रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आपने टीएल की वैल्यू दी 0.3 और टीएच की वैल्यू आपने सपोज दे दी लाइक 0.2, तो बेसिकली आपके पास 16 बिट वैल्यू क्या हो गई, 0.2 0.3। यहाँ से आपने स्टार्ट किया टाइमर, टाइमर स्टार्ट किया आपने। टाइमर स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया, आफ्टर स्टार्टिंग द टाइमर आपके पास टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0। एक का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हो गई 0.204, टाइम ऑफ फ्लैग 0। तो टाइम ऑफ फ्लैग 0 है तो वो टारगेट पे जंप करेगा, टारगेट पे जंप करेगा, 0.5 हो गई, अभी भी टाइम ऑफ फ्लैग 0 रहेगा, ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा टाइम ऑफ फ्लैग, एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा, टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। तो ऐसे इंक्रीमेंट करते करते एक वैल्यू आपके पास कौन सी आ जाएगी, FF FF, तब आपके पास टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू 0। और जैसे इसके बाद एक और इंक्रीमेंट लगा तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन। अब टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये लॉजिक क्या होगा, फर्दर वर्क करेगा कि आपके पास टाइम ऑफ फ्लैग की वैल्यू 0 है तो वो टारगेट पे फर्दर क्या होगा, शिफ्ट होगा। होप सो यू आर गेटिंग। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, क्योंकि लाइक अगर हमने फर्दर प्रोसीड करते देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक टेल अगेन। अगर आपको बीच में दिक्कत आती है, बीच में साथ साथ पूछिए, पूछ लिया कीजिए। सो दिस इज लाइक दिस विल बी द स्टेप्स फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ द लाइक टाइमर मोड 1 प्रोग्रामिंग। तो लाइक देयर इज वन फॉर्मूला लाइक हाउ यू कैन बेसिकली कैलकुलेट द डिले, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला फॉर द डायग्राम टाइमर डिले कैलकुलेशन, टाइमर होल्ड फॉर टाइमर डिले, टाइमर डिले कैलकुलेशन, टाइमर डिले कैलकुलेशन फॉर क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिसकी आपके पास लाइक फ्रीक्वेंसी लाइक नॉर्मल जो भी हम 8051 के साथ क्रिस्टल ऑसिलेटर्स यूज करते हैं, उनकी जो जनरल फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज 11.0592 MHz। दिस इज द फिक्स वन, दैट इज 11.0592 जनरली जो यूज किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्रिस्टल ऑसिलेटर, दैट इज 11.0592 MHz, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइमर डिले कैलकुलेशन, टाइमर डिले कैलकुलेशन फॉर द क्रिस्टल ऑसिलेटर व्हिच इज। इसके लिए आपके पास द फॉर्मूला विल बी FFFFF, ओके, माइनस द एक्स लाइक प्लस वन दिस माइनस दिस प्लस वन इंटू 1.085 माइक्रोसेकेंड। FFFF माइनस YYXX प्लस वन इंटू 1.085 माइक्रोसेकेंड। तो व्हाट इज बेसिकली दिस फॉर्मूला इज इंडिकेटिंग, ये आपको बेसिकली क्या बताएगा, एक सेकेंड्स लाइक यूनिट इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग, टाइम पीरियड बेसिकली आपको ये बताएगा, ओके। और टाइम पीरियड के आपके पास कितना क्या होगा, डिले क्या होगा, क्रिएट होगा, ओके। सो हाउ मच डिले विल बी कैलकुलेटेड, कि अगर हम आपको क्या करना है, टीएल और टीएच के अंदर क्या करना है, एक वैल्यू डालनी है। टीएल और टीएच के अंदर आपने वैल्यू तो डाल दी, अब उस वैल्यू से आपने जो भी वैल्यू डाली टीएल और टीएच की, उस वैल्यू से आपका कितना डिले क्रिएट हुआ। लाइक हमने यहाँ पर अभी मैंने डिफाइन किया था कि आप टीएल के अंदर ये वैल्यू डाल रहे हैं, टीएच के अंदर ये वैल्यू डाल रहे हैं,
ये तो आपने स्टार्टिंग वैल्यू बता दी ना, स्टार्टिंग वैल्यू ये कहाँ तक जाएगी फर्दर आपके पास, इंक्रीमेंट लगा इंक्रीमेंट लगा, बहुत सारी वैल्यूज हैं इसके बीच में, अगर आपको हेक्साडेसिमल का पता है तो कैसे कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, 0206, 0207, 0208, 08, 0209, 0208, 0202B, 0206, इस टाइप से आपके पास काफी सारी वैल्यूज पड़ी है। तो ये जो आपके पास टाइम पीरियड लगेगा इन सबको एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड लगता है इन सब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो बेसिकली आपके पास एक डिले का क्या करेगा, काम करेगा। सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज दिस वन, जहां पे आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि एफ 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 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये आपके पास, हम मोड वन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। मोड वन प्रोग्रामिंग आपके पास कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है, और 16 बिट जब होता है तो 16 बिट की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी जाती है, दैट इज एफ 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 एफ, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तभी हमने वो मैक्सिमम वैल्यू ले ली, मैक्सिमम वैल्यू माइनस वाई वाई एक्स एक्स। ये वाई वाई एक्स एक्स क्या है आपके पास, ये वाई वाई एक्स एक्स आपके पास वो वैल्यू है जो आप टीएल और टीएच के अंदर इनिशियलाइज करेंगे, दिस इज दैट वैल्यू, एक्स एक्स वाई वाई। ये कौन सी वैल्यू है, ये वो एक्स एक्स बेसिकली वो वैल्यू होगी जो आपने टीएल के अंदर डाली होगी, और टी वाई वाई आपके पास कौन सी वैल्यू होगी जो आपने टीएच के अंदर डाली होगी। तो हमने ये कॉम्बिनेशन में हमारा बेसिकली वर्क करता है, दैट इज 16 बिट का हमारे पास कंबाइंड वैल्यू होते हैं, तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया प्लस वन। अब ये प्लस वन कौन सा है, हमने प्लस वन क्यों किया है, तो आपको अगर रिमाइंड हो तो आपके पास ये प्लस वन हम कहाँ से कर रहे हैं, लाइक आपने इनिशियल वैल्यू अगर ये दे रखी है 0 0 0 से लेकर गया एफ 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 तक, लेकिन एफ एफ से टाइम ऑफ लैग वन कब होता है, जब आपके पास फर्दर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, दैट इज अगेन आपके पास कहां पर रोल ओवर होता है टू दिस वैल्यू 0 0 0 0। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आपने 2 10 -2 किया तो आपके पास 8 आया, लेकिन अगर हम 10 से लेकर आपको 2 तक काउंट करना है तो कितना रहता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वैल्यूज अगर हम 2 को भी कंसीडर करें तो कितना रहता है, प्लस 1 कर देते हैं ना, 9 कर देते हैं, 10 -2 कितना होता है, 8 होता है, लेकिन अगर हमने 2 को भी कंसीडर करना है साथ में, तब हम क्या करते हैं, प्लस 1 करते हैं, अगर आपको 2 को भी बीच में कंसीडर करना है तो दैट इज 9। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू ये थी, लास्ट वैल्यू यहाँ तक गई, और अगर आपके पास टाइमर रोल ओवर होगा तो आपके पास वो फर्दर रोल ओवर होगा इस 0 0 0 पर, इसके लिए भी आपके पास हमने क्या किया, प्लस 1 का यहाँ पर क्या लगाया, इंक्रीमेंट लगाया, एफ 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 माइनस वाई वाई एक्स एक्स प्लस 1 प्लस वन। ये प्लस वन आपको बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग दी जो रोल ओवर हुआ आपके पास इनटू 1.085 माइक्रो सेकेंड्स। ये आपके पास कैलकुलेशन रहती है मशीन साइकिल्स की। सो दिस इज द फॉर्मूला। बाकी हम देखते हैं एक क्वेश्चन करके कि आपके पास जिसमें आपके पास होगा कि कैलकुलेट द डिले, दैट वी विल चेक आउट फर्दर कि हाउ यू कैन बेसिकली फर्दर मैनिपुलेट दिस फॉर्मूला, एंड होप सो दिस फॉर्मूला इज बेसिकली क्लियर। आपने हाईएस्ट वैल्यू लेनी है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू लेनी है, और प्लस वन रोल ओवर के लिए लेना है इनटू द 1.085 माइक्रोसेकंड्स, जो हमें इन एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड लगता है। दिस फॉर्मूला इज लाइक आप देख ही रहे हैं, ये फॉर्मूला आपके पास किसके साथ डील कर रहा है, हेक्साडेसिमल के साथ। ये एफ 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 आपके पास कौन सी वैल्यू है, दिस इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू। दिस इज द हेक्साडेसिमल। अगर यही फॉर्मूला आपको डेसिमल वैल्यू के लिए लिखना होता, देन दिस इज फॉर द हेक्साडेसिमल। बाकी डेसिमल के लिए इन डेसिमल
डेसिमल में आपके पास दिस वैल्यू, द फॉर्मूला विल बी 6553 6 माइनस जो भी आपने लाइक इनिशियल वैल्यू दी उसको इनटू 1.085 माइक्रोसेकेंड. 6553 6 माइनस जो आप इनिशियलाइज करेंगे इनटू 1.085 माइक्रोसेकेंड. अब ये 6553 6 भी लाइक ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी नंबर पिक करके लिख दिया यहाँ पर. अगर आप इस हेक्साडेसिमल है, इस हेक्साडेसिमल को, ये आपके पास FFF क्या है, ये हेक्साडेसिमल है ठीक. एंड यू नो द कन्वर्जन्स के डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. उसी तरीके से लाइक आपको डिजिटल में आपने सारी कन्वर्जन्स कर रखी हैं. अगर आप इस वैल्यू को लाइक इसकी आप डेसिमल कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट आता 6553 6. और जो ये 1 है ये 1 पहले से इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, दैट इज वाई इट इज 6553 6. अगर आप इसकी कन्वर्जन करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 6535. आप कन्वर्ट करके देखिएगा इसको डिजिटल, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये सब सिखाया जाता है कि आपको हाउ टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यू टू द डेसिमल वैल्यू. आप इसका, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसकी डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट कीजिएगा, डेसिमल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6535. हमने 36 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ये डेसिमल वैल्यू जो थी प्लस 1 वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दी है. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम डिले इन केस ऑफ द मोड 1. सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली, हाउ टू बेसिकली डू द प्रोग्राम फॉर द टाइमर्स इन द मोड 1. ओके, दिस इज अबाउट द टॉपिक.